यहाँ मुझे पता लगा कि बस थोड़ी लेट है। ये इंसान मुझे लेने नहीं आए। मेरे को गलत फहमी थी कि मेरे एक रिश्तेदार वाले होंगे। ये फेक स्माइल से कुछ नहीं होगा यशवाई। भाई साहब जाओ। खुद को सबसे बेकार बोल रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आरवी लाइफस्टाइल पे। और आज है 3 जुलाई और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजने वाले हैं, 6:15 हो गए हैं। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। मतलब इतनी जल्दी मैं उठती नहीं हूँ, बट आज उठ गई हूँ। और आज संडे है, संडे को इतनी जल्दी। बट स्टिल कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है आज। और मैं कल रात से कंफ्यूज हूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, पूरी तरह एक चीज़ डिसाइड नहीं हो पाई है। फिर भी रात को सोते सोते डिसाइड कर ही दिया था कि जाऊँगी, बट अभी भी सोच रही हूँ जाऊँ, क्योंकि मन नहीं है। पर सोच रही हूँ यार चली जाती, इतनी प्यार से बुलाया और थोड़ा ऐसे काफ़ी टाइम रूम पे ही हूँ, तो रूम पे बैठ के थोड़ी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड सी हो गई हूँ, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगा। सोचा तो ये है, पहले पानी पी लेते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। तो फाइनली बहुत कंफ्यूजन के बाद मैं अब जा रही हूँ। और सबसे पहले मुझे ATM जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं है। और रात को भी बहुत लेट डिसाइड किया था मैंने 11 बजे की जाऊँगी। पहुंच गई हूँ और यहाँ मुझे पता लगा कि बस थोड़ी लेट है, मतलब मुझे 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। क्या पंगे ले लिए। बस एक जाती थी पहले, बट आज वो नहीं जा रही है क्योंकि आज संडे है। कोई नहीं, वेट कर लेंगे, इसमें क्या है। पर मेरी भी थोड़ी सी गलती है कि मैं जल्दी निकल गई, और मैं जल्दी इसलिए निकल गई कि मुझे डर था कि मेरे को बस यहाँ से छूट ना जाए। मेरे को था कि मैं जल्दी यहाँ पहुँच जाऊँ, बेशक आधे कर घंटे पहले, उसकी टेंशन नहीं है, बट बस ना छूटे। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं, तब तक आप लोग साथ गप्पे मारती हूँ। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ सेंज यशुभाई और ओमी भाई के घर। उनके घर में है देवड़ी, मतलब देवते आए हुए हैं, वो फंक्शन है। तो ओमी भाई ने तो मुझे 1 महीने पहले से बुलाया हुआ था, तो पहले मेरा मन नहीं था, मन मतलब वो सब कल ही चले गए हैं। मैं आज जा रही हूँ बिकॉज उनका तो फैमिली का ही फंक्शन था, तो वो सारे कल गए हैं। और कल मेरा मन नहीं था ऐसे कहीं दूर रहने जाने का, ज़्यादा मन नहीं होता मेरा, एक दिन का हो तो ठीक है। तो आज संडे भी था और संडे मेरा रेस्ट डे होता है, तो मैंने सोचा चली पड़ती हूँ। और अच्छा आई, आज थोड़ी बारिश वाला मौसम है, अच्छा है, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। वरना कुल्लू में इतनी गर्मी थी, इतनी ह्यूमिडिटी पड़ी हुई थी ना, तो अच्छा हुआ मैं आई। और उन्होंने इतने प्यार से बुलाया था तो जाना तो था ही। मतलब कुछ एक ही फ्रेंड हो, मतलब बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं मेरी लाइफ में जो मेरे बहुत क्लोज है, बहुत अच्छे, मतलब फैमिली की तरह है। तो ऑब्वियस है कि उन्होंने इतने प्यार से बुलाया तो मैं जाती ही। तो फाइनली 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद सेंज की बस लग गई थी। सो मैं पहुंच गई हूँ और ये है ऊपर यशवाई का घर। तो यहाँ मुझे जाना है और यहाँ उतरी मैं। मैं पहली बार जा रही हूँ यशवाई के यहाँ घर। मुझे रास्ता नहीं पता, पर वो लोग मुझे कोई लेने नहीं आ, मुझे फ़ोन पे बोले यहाँ यहाँ से यहाँ, कितने गंदे हैं, बट है तो पास ही, मुझे लगा ज़्यादा।
रास्ता देखो, यहाँ इस पट्टे से बोल रहे हो, वो मुझे आने को, और मेरी चप्पल देखो। तो अभी मैंने उनसे लॉन्ग वाला रास्ता पूछा है क्योंकि ये शॉर्टकट था जंगलों के। इनके साथ तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं जा सकती भाई, थोड़ी मेरे को स्लिप होने की डर है, खासकर उस फट्टे पे। सो मैं थोड़ा लॉन्ग कटती, ठीक है, अपना शॉर्टकट नहीं मार रहा। ये बेटर है उस फट्टे से। तो पानी तो कम था बट मेरी चप्पल गिली है, मेरी पाँव ऐसी निकल रही है चप्पल से, एक तो ये ऊपर को चढ़ाई है पूरी। क्या सोच के मैं चप्पल पहन के आई, मुझे नहीं लगा था बारिश पड़ी। पर नहीं, मैंने इसलिए पहनी थी क्योंकि ये फ्लैट है। मैं सूट के साथ स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनना चाहती थी, वरना मेरा लुक खराब हो जाता। लुक के चक्कर में इससे अच्छा होता अपने पैंट और जूते पहन के आए। तो चप्पल मेरी फ्लैट है, हील वाली नहीं है, इसलिए पहनी थी। बट हाँ, थोड़ी स्लिपरी, वो गीली हो गई है बारिश में, इसलिए सब रहा है। कैसा रास्ता है, यहाँ चढ़ना पड़ रहा है। हाँ, मज़ा आ रहा है, ज़्यादा मज़ा आता अगर जूते होते हैं। सुबह सुबह वॉक हो गई बढ़िया वाली। ओ ये इंसान मुझे लेने नहीं आए। इंसान को क्या मतलब, आलसी आलसी, आपकी वजह से गिली हुई मैं। आलसी आलसी नहीं, बाप पेट्रोल महंगा हो गया है ना, पेट्रोल महंगा हो गया है। ओहो, पैदल आना था, पैदल यहाँ से नीचे कोई गाड़ी तो आड़ी नहीं थी, पेट्रोल महंगा हुआ। एक घंटे यहाँ रहा लाई यार, यही तो है रास्ता, ठीक तो है यहाँ से रास्ता। मेरे को लगा था यहाँ पहुंचोगी मोटी मस्त ठंडी ठंडी हवा, गर्म हवा है। ये तो गांव में भी कुल्लू वाला ही हाल है, बारिश हुई ना सो तब जाके होती है कुल, नहीं वो कुल्लू में भी हो गया ऐसी, पता ह्यूमिडिटी यहाँ भी है, वही कुल्लू वाला ही हाल है यार। इसको बहुत दुख हो रहा है, जब इसका एक सफेद बाल निकला तो मुंह का कैसे अपना थोपड़ा बिगाड़ रही है। मेरे को गलत फहमी थी कि मेरे एक सफेद बाल नहीं हुआ कर सब नहीं अरे ये देखिए लंच टाइम, मस्त से चावल, मीट चावल, मज़ा ही आ गया था इनको खाकर। तो अब एक जो देवता है जो काफ़ी दूर से थे वो वापिस जा रहे थे, तो वापिस जाने से पहले ये जो भी तैयारी है हो रही थी। तो अब हम निकल रहे हैं वापिस कुल्लू की ओर, और धूप पड़ रही है बहुत ही तेज। तो अभी है हम प्रॉपर यहाँ सेंच पे, और मैं जा रही हूँ भैया वगैरह के साथ। तो अभी हम वेट कर रहे हैं धूमल भाई का, वो हेलमेट लाने गए हुए हैं भगवान उनका वेट कर रहे हैं, फिर निकल जाएंगे। अच्छा हुआ मुझे लिफ्ट मिल गई, वरना फिर से बस लेनी पड़ती। अगर बस लेनी पड़ती तो मुझे जल्दी निकलना पड़ता, पर अभी 3:30 बज गया, लगभग 4 बज गए, पता नहीं इतनी तेज़ धूप है। तो बस उसके बाद हम सीधा निकलेंगे कुल्लू को, उसके बाद रूम जाकर। सो ब्लॉग की एंडिंग भी यही कर रही हूँ, शायद बाद में धूप कम हो जाए, अंधेरा हो जाए, जो भी है। तो ये था मेरा ब्लॉग आज का, सफ़र मेरा छोटा सा, बस यही था। तो ठीक है, बाय बाय, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
बाय बोलो अच्छे लग रहे फोन में तो अच्छे लग रहे आप दोनों फोन में नहीं हम अच्छे ही वैसे हैं नहीं अब समझी मैं ए धूप पड़ रही है तब लग रहे अच्छे ठीक है बाय लिया मैंने आपको लिया मैंने लो सबसे बेकार बंदे को नहीं बोल रहे भाई साहब जाओ खुद को सबसे बेकार बोल रहे हैं खुद को बेकार बोल रहे हैं तू है ना लाइसेंस यार मेरे को दोनों मेरी मुंडी के साथ ऐसे गंदे हैं तेरी मुंडी के साथ से दिया है ठीक है जो भी है क्या रोड बन गया है बड़ा बीच है जब हरे हो जाए कि पेड़ बड़े हैं ना हां ये बीच वाले कटिंग हो भाई साहब फिर परे वाला दिखेगा नहीं अपने अपना रास्ता तो अब हम कुल्लू भी पहुंच गए हैं टाइमली एकदम बढ़िया धूप लगी है तो अभी रूम जाऊंगी रेस्ट करूंगी और उसके बाद देखते हैं मूड अच्छा रहा तो लाइब्रेरी जाऊंगी पढ़ने वाला हुआ नहीं हुआ तो फिर रूम पे मैं लाइब्रेरी तो चली गई लेकिन वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी